हाँ तो प्रिय मानव सज्जनों, पंच परमेश्वर का जो आदेश हुआ, शिव महापुराण और श्री नंदा पुराण के अंतर्गत आप बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में जानकार लोग बैठे हैं कि भगवान भोलेनाथ भस्मी क्यों लगाते हैं। आखिर भगवान भोलेनाथ को भस्मी इतनी प्रिय क्यों है? कथा के माध्यम से आप श्रवण करेंगे बात उस समय की, जब राजा दक्ष के यहां राजा दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं रहा। माता सती अपने पति से प्रणय करती है, प्रार्थना करती है कि स्वामी मेरे पिता के घर में यज्ञ में एक बार दर्शन करने जरूर जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तदपि विरोध मान जह कोई तहां जाए कल्याण न होई। जहां अपना विरोध हो उस जगह जाने में कभी भलाई नहीं होती। सती को बार बार समझाते हैं लेकिन माता सती भगवान भोलेनाथ की एक बात नहीं मानती। दक्ष यज्ञ में पहुंच जाती है और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का भाग यज्ञ में ना देखा, सती क्रोधित हो जाती है। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। कहा सती बगैर बुलाए कहीं भी जाना ये तो बेइज्जती की बात है। भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाती है माता सती, अपनी योग अग्नि से अपने तन को जला के अपने प्राणों को त्याग देती है। शिव के गढ़ जाकर भगवान भोलेनाथ को बताते हैं कि प्रभु आज दक्ष के यज्ञ में ऐसा ऐसा हो गया, माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान भोलेनाथ विकराल हो जाते हैं कि आज धरती आसमान को एक कर दूंगा, जिसने मेरी सती का अपमान किया है सारे ब्रह्मांड को एक कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ जाते हैं माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर सारे संसार में घूमते हैं। सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि प्रभु अब आप ही बचाइए चाहे जो करो। क्या होता है शरीर को लेकर के भोले थे बेहाल और
तीनों लोगों में फिरे क्रोध में होकर लाल। सती प्रेम में हो गए एजी पागल और विकराल, तांडव ऐसा कर रहे बन करके महाकाल। सारे देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु से, क्या हेलो कहा प्रभु? भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, कहते प्रभु अरे प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कहा प्रभु आप कुछ ऐसा करिए जिससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध ये शांत हो जाए। प्रभु प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कहा प्रभु कोई कष्ट हुआ है तो आपने हमेशा सहायता की है दयालु। आज भगवान भोलेनाथ का आप ही क्रोध शांत कर सकते हैं। आज भगवान भोलेनाथ माता सती के बिछड़ने से बहुत दुखी है। क्या कहते हैं? दुख हर लो स्वामी, दुख हर लो। भैया बार बार साउंड को दबाओ मत। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो आज सारे देवता भगवान विष्णु को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वहां पर दक्ष के यज्ञ में तुम सब थे, बस मेरी सती की गलती बता दो। मेरी सती की गलती क्या है? मेरी सती ने बस इतना ही कहा था कि मेरे पति का इस यज्ञ में भाग क्यों नहीं है। क्या कहा?